किसानों की कर्ज माफी की तैयारी शुरू, 3 माह में मिलेगी राहत, 2 लाख रुपए तक होगा कर्ज माफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसानों संबंधित हर न्यूज पाने के लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका कितना कर्ज बका है, साथ ही कौन सी बैंक में है और आप दोस्तों कौन से राज्य के रहने वाले, ताकि दोस्तों हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवा सकें कि आपका जो भी कर्ज है वो कब तक माफ होने वाला। आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है, मोदी सरकार किसानों की कर्ज माफी की तैयारी कर रही है, जल्द ही कई राज्यों में कर्ज माफ है वो हो सकता है, इसके लिए पूरी सरकार ने कमेटी गठित कर ली है, साथ ही आपकी लगभग तैयारी हो चुकी है, अगले 3 महीनों में दोस्तों आपका कर्ज माफी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस कोरोना साथ ही लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो किसान साथ ही मजदूर हुए हैं, इसलिए मोदी सरकार इसके लिए पूरी तैयारी करने वाली है। तो पूरा न्यूज हम आपको बता देते हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। सभी राज्यों के छोटे सीमांत किसानों का ऋण माफी की तैयारी शुरू कर दी गई है, लॉकडाउन के बाद कर्जदार किसानों को लोन से मुक्ति मिल सकेगी, साथ ही अगले 3 महीने में किसानों का ऋण माफ करने को लेकर सरकार योजना बना चुकी है। इन किसानों में उन्हीं किसानों को शामिल किया जाएगा जो 50,000 रुपए तक कृषि लोन लिए हुए हैं, साथ ही कृषि विभाग द्वारा दूसरे राज्यों के कृषि माफ की योजनाओं का फिलहाल मुआवजा नहीं ले रहे हैं, साथ ही इसमें देखा जा सकता है कि आपकी कई बड़ी संख्या में आपके कर्जदाता हैं। दोस्तों इसके लिए सरकार ने कमेटी भी गठित कर ली है, साथ ही आपकी पूरी योजना बनाई जा रही है कि कौन से राज्य में आपका कितना लोन बकाया है, साथ ही पिछले कुछ दिनों से आपका लोन बकाया है। दोस्तों इसके लिए सरकार पूरी आपकी नीति बनाएगी, उसी के बाद में दोस्तों बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दूसरे राज्यों की नीति पर होमवर्क करने के बाद विभाग प्रस्ताव बनाकर अपने कैबिनेट में रखेगा, इसके बाद किसानों को इसके लाभ कितना मिल सकता है इसके लिए पूरी बारीकी से स्टडी की जाएगी, साथ ही सरकारों का दोस्तों कहना है कि आपका 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक है वो कई राज्यों में लोन है वो माफ हो सकता है, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आपका लॉकडाउन लागू है, उसकी वजह से किसानों का अनाज साथ ही सब्जियां लगातार खराब हो रही है, किसानों को सही रेट है वो मंडियों में नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मोदी सरकार प्लान बना रही है कि किसानों को है योजनाओं का फायदा दिया जाए, यानी उनकी कर्ज माफी की जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो उस पर भी आपका है लोन अमाउंट है वो सरकार डबल कर सकती है, यानी दोस्तों अगर आपको अभी लोन 1 लाख मिल रहा है तो सरकार आपको 2 लाख रुपए तक लोन देने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके पास लोन है उसका इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर भी सरकार है वो कम करने जा रही है, इसके लेकर दोस्तों पूरी योजना आपकी बनाई जा रही है। दोस्तों बता देना चाहते हैं आपका जो भी आपको किसान सम्मान निधि के तहत आपको 6,000 रुपये है वो हर साल मिलते हैं, उसको भी सरकार बढ़ाकर है वो 12,000 रुपये कर सकती है, यानी आपको हर महीने 1,000 रुपये खाते में वो मिलने जाने वाले हैं, क्योंकि सरकार ये भी सोचती है कि जो भी किसान भाई है उनको तकलीफ ना हो, क्योंकि लगातार कई राज्य में काफ़ी ज़्यादा किसान परेशान है। पिछले कुछ दिनों से जो भी किसानों की आय थी वो भी आपकी डबल नहीं हो पाई है, क्योंकि लगातार सरकार 2014 से कोशिश कर रही है कि किसानों की आय है वो डबल की जाए, उनकी फसलों के दाम वो सही दिए जाएँ। तो दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है, जल्दी दोस्तों इसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अपने राज्य अपने ज़िले साथ ही आपका कितना लोन बकाया है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, ताकि दोस्तों हम आपको बता सकें कि आपका लोन है कब तक माफ होने वाला है। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।